हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अजंता फार्मा की डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको अजंता फार्मा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि फार्मा प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। देखिए, एक मेन बात जो इस कंपनी की अच्छी है वो ये कंपनी लगातार R&D पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, ताकि कि जो नए प्रोडक्ट्स है, नया इनोवेशन है, नए क्रिएटिव आइडियाज़ है, यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सके। तो अजंता फार्मा की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि ये R&D पे जो इनका रेवेन्यू है उसका 5% ये हर साल R&D के ऊपर खर्च करते हैं। तो उससे अगर कोई एक अच्छा प्रोडक्ट अगर इनका बनता है जिसकी मोनोपोली अगर मार्केट में होती है, तो वहाँ पर इनको एक अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। अब ये देखिए, लगभग 18,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। अगर हम इंडस्ट्री का पी देखें तो अराउंड 39 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे इंडस्ट्री का है। उसके अलावा अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो यहाँ पे 27 टाइम्स है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लेकिन देखिए, एक मिड कैप कंपनी है, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, तो ये आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होने वाले हैं। तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको हमेशा अंडर वैल्यूएशन पर ही मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस ये यहाँ पे कुछ एकदम कुछ यूनिक या फिर कुछ हटके बिजनेस नहीं करता है। तो अगर इनका कुछ हटके बिजनेस अगर होता है, कुछ अच्छी ग्रोथ अगर इनका बिजनेस दिखाता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन देना चालू कर देगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, इनका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो है 6.29 टाइम्स। तो प्राइस टू बुक रेशियो अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कॉस्टली हमें नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें, तो एक ही साल यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू थोड़े से कम हो गए थे, और वहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अराउंड हमें 20% कम होती हुई नजर आई थी। ऑल द उसके बाद अगर आप देखोगे, दो साल लगातार यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े हैं, और जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए, 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमने देखा है, उसके पीछे का रीजन एक कोविड वाला ईयर था। सारे फार्मा प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो बढ़ती हुई हमें नजर आई थी, और उसकी वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ है वो हमें ज्यादा देखने को मिली है। ये देखिए, यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर है वो इतने, अगर आप देखोगे लगभग 9% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला यहाँ पे जो कंपनी का नंबर है वो अराउंड 40% से बढ़ा है। तो ये दिखाता है जो मार्जिन परसेंटेज यहाँ पे कंपनी के कोविड में बढ़े हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, तो काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नजर आते हैं। 70% का होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, यानी कि अराउंड 30% के शेयर्स ही मार्केट में हैं। उसमें से भी अगर हम बात करें तो 8.94% का होल्डिंग यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, और अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास यहाँ पे 12% का होल्डिंग है। वो मोटा मोटा अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स का मिला के ही यहाँ पे 21% का होल्डिंग है, और उसके अलावा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ यहाँ पे 8 से 8.5% का ही होल्डिंग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सिर्फ 8 से 8.5% के शेयर्स ही मार्केट में फ्लोटिंग है, तो अगर एकदम से अगर कंपनी कुछ यहाँ पे यूनिक अगर कुछ खड़ती है, तो वहाँ पे एक स्ट्रांग डिमांड अगर इसके शेयर की अगर मार्केट में होती है, तो वहाँ पे स्टॉक अच्छा खासा भाग सकता है, क्योंकि मार्केट में जो शेयर्स है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली यानी कि पिछले 3 quarters के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो ये देखिए पिछले 3 quarters से कंपनी के रेवेन्यूज में हमें ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 1% से बढ़ा था, और यहाँ पे 1% से हमें कम होता हुआ नजर आया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर की बात करें, तो इसमें भी हमें ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिले, ज़्यादा चेंज यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई है। तो अगर आप देखोगे एक यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो फार्मा इंडस्ट्री, इनको जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए, जो रिटर्न ये स्टॉक जो मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते फार्मा इंडस्ट्री से, वो ये नहीं दे पाते हैं। क्योंकि ये जो ग्रोथ है, यानी कि अगर आप देखोगे एक IT इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, वहां पे 10 से 15% की वो ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक स्टैग्नेंट ग्रोथ दिखाना मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से इनको इतना वो वैल्यूएशन नहीं मिलता है जो बाकी इंडस्ट्रियों को मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे कंपनी के रिटर्न रेशियोज है। ये देखिए 21% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे 29% है, और रिटर्न ऑन एसेट का जो नंबर है वो भी यहाँ पे 17% है।
ऑल्दो यहाँ पे 2021 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कोविड की वजह से मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा ये रिटर्न वाला जो नंबर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए ये ऑल्दो ये नंबर 2-3% कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये नंबर अच्छा रहेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो रिटर्न रेशियोज यहाँ पे कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है और उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब एक और पॉजिटिव बात जो इस स्टॉक के लिए है वो ये है कि कंपनी डेट फ्री है, ऑन डेट कंपनी के ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म लोन नहीं है। तो देखिए कभी भी अगर किसी भी कंपनी के पास अगर लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता है तो जितना भी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाते हैं उसके बाद उनको सिर्फ टैक्स ही पे करना होता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो बढ़ जाता है और उसके बाद में वो सीधा अपने प्रॉफिट को वापस से रीइन्वेस्ट कर सकते हैं और ताकि कोई नया प्रोडक्ट या फिर R&D के ऊपर वो पैसा खर्च कर सकते हैं। इसलिए कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में ये बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। देखिए लगातार अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी और उसको कोई इंटरेस्ट पे भी नहीं करना है तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह होती है तो कंपनी अपने खुद के पैसे से वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है। अब अगर हम अजंता फार्मा के स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो अभी 2178 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अराउंड अगर ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करें तो वहां से 10% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। लेकिन देखिए अगर हम पिछले 5 साल के इसके रिटर्न की बात करें तो सिर्फ 10% के रिटर्न यहाँ पे अजंता फार्मा के स्टॉक ने दिए हैं। मतलब अगर आपने 5 साल पहले स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपको सिर्फ 10% के रिटर्न ही मिल रहे होते, यानी कि FD से भी बहुत कम रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहे होते। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम अजंता फार्मा की अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन एज अ होल जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री है यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ मार्केट बिलीव नहीं करता है और ये दे भी नहीं पाती। अगर आप देखोगे इतना कंपटीशन इस सेक्टर में है तो यहाँ पे एक तो जो प्रीमियम वैल्यूएशन वाले सन फार्मा सिप्ला अगर वहाँ पे इनके उनके कंपैरिजन में अगर कोई मिड कैप कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ही मार्केट उन्हें स्टॉक को प्रीमियम वैल्यूएशन देगा। बाकी अगर आप एक नॉर्मल ग्रोथ दिखाओगे जितनी वो दिखा रहे हैं तो आपको मार्केट कुछ नया नहीं देने वाला है। देखिए उनके पास एक ब्रांड वैल्यू भी है, आपके पास ब्रांड वैल्यू नहीं है तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी होगी। अब यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपने क्या करना चाहिए, देखिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एक मिड कैप कंपनी है, यहाँ पे अगर देखा जाए R&D के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और कंपनी के रेवेन्यूज भी काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में ये कंपनी जो इसके लार्ज कैप किसके जो कंपटीटर्स हैं उनको थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकती है और निफ्टी फार्मा के कंपेरिजन में ये स्टॉक थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा कि जो निफ्टी 50 एज अ बेंचमार्क इंडेक्स मेरे ख्याल से उसको बीट करना यहाँ पे इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए अगर कोई यहाँ पे कुछ आउट परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से अगर होता है तो थोड़ा मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन देगा, अगर जिस तरीके की एक स्टेबल ग्रोथ कंपनी दिखा रही है तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पे नया कंपनी के अंदर होने वाला है। तो देखिए अगर आप एक फार्मा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 से अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को आपको एज अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे ज़्यादा भी अच्छा नज़र नहीं आता है, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी इशू नहीं है, लेकिन एज अ होल ये सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाता है और कभी 20% की ग्रोथ अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में ये दिखा भी देते हैं तो वहाँ पे नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होता है वहाँ पे 10% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये एज अ होल ये पूरा सेक्टर ही ऐसा है। यहाँ पर आपने अगर इन्वेस्ट करना है, अगर 10-15% का CAGR रिटर्न अगर आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ ये छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।